दीपक जलाने से क्या होगा? प्रकाश होगा। दही मथने से क्या होगा? मक्खन मिलेगा, घी बना सकेंगे। उसी प्रकार सत्संग में बैठने से, भगवान नाम सुमिरन करने से, वैदिक मंत्र की दीक्षा लेने से व्यक्ति के जीवन में सुखों का सूर्य उदय होता है। भाग्योदय होता है। ऊंची सीढ़ी पर पैर रख दिया, नीची सीढ़ी छूट गई, भाग्योदय हुआ, दुर्भाग्य से पिंड छूट गया। शर्त यह है कि व्यक्ति चलता रहे, मानस चाले शास्त्र अने गुरुना कया प्रमाणे। ध्यान देना, प्रारब्ध व्यक्ति से फल भुगवाता है। खूब ध्यान दें कृपा करके। प्रारब्ध आदमी का भाग्य, प्रारब्ध उसका फल उसको भुगवाता है, पर स्वभाव आदमी से नए कर्म करवाता है। तो स्वभाव जो बिगड़ा हुआ होगा तामसी खोराक खाने से, तामसी स्वभाव होगा, तो आदमी कर्म ऐसे करेगा कि जिससे परिणाम में उसको दुख मिले। लोगो बोले छे, क्या ये जवान लड़का है, ये युवती है, ये युवक है, पर देखो शब्द स्थिर है, जीवन स्थिर नहीं है। बोल देते हैं ये बच्चा है, पर क्या वो बच्चा ही है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जवान है, पर क्या वो स्थिर है, उसका यौवन क्या हर सेकंड में वो वृद्धत्व की ओर नहीं जा रहा है। बोल देते हैं बच्चा है, पर क्या वो बच्चा ही रहेगा। ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये वृद्ध है, तो क्या वो वृद्ध ही रहेंगे, क्या मृत्यु शरीर को नहीं ले जाएगी घसीट कर। ये विवेक सत्संग से जागृत होगा, और व्यक्ति जिसका वियोग होने वाला है उसकी आसक्ति से ऊपर उठकर अपना कल्याण कर लेगा। चींटियां कितनी भी मिल जाए, झुंड के झुंड चींटियां मिल जाए, पर हिमालय को उसकी जगह से वो हटाने का सामर्थ्य नहीं रखती, पर गलतफहमी हो जाती है। हाथी जा रहा था, चींटी हाथी के पैर पर चढ़ी और हाथी की पीठ पर जा बैठी। अब हाथी को तो पता भी नहीं, इतने में रास्ते में नदी पड़ी, हाथी ने पुल पर पैर रखा, पुल था लकड़ी का, हाथी के पैर रखने से चैं चैं हुआ, तो चींटी बोलती है कि ठहरो ठहरो मैं उतर जाऊं, नहीं तो हम दोनों का वजन ये सहन नहीं कर सकेगा, टूट जाएगा। तो चींटी उतर गई, किनारे खड़ी हो गई, इस पार हाथी पहुंच गया उस पार, तो चींटी बोली देखा मैंने अक्कल से काम लिया तो पुल बच गया, नहीं तो अगर अपन दोनों साथ जाते तो शायद पुल टूट जाता। अब चींटी कितनी गलत फहमी में है, चींटी के चलने से पुल कैसे टूटेगा, पर चींटी को गलत फहमी है। ऐसे ही गलत फहमी में जीते हैं कई लोग। सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हो उसका बाल बांका कैसे होगा, ईश्वर रक्षक हो। तो ज्यो ज्यो व्यक्ति ईश्वर की ओर चलता है त्यों त्यों उसके जीवन से दुख अशांति और समस्याएं दूर होती जाती हैं। और फिर वो व्यक्ति, जैसे किसी को हीरे मिल जाए तो हीरे मिलने पर कंकड़ पत्थर कोई क्यों उठाना चाहेगा, असली गुलाब मिल जाए तो प्लास्टिक का फूल उठाने की कौन इच्छा करेगा, सच्ची बढ़िया मजबूत नाव मिल गई तो कागज की नाव में बैठने की इच्छा कौन करेगा।
क्यों करेगा? ऐसे ही सच्चे सदगुरु मिल गए, गुरु का ज्ञान मिल गया, तो फिर संसारिक सुख भोग की इच्छा उस भक्त के जीवन में नहीं रहेगी, भक्त को भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा होगी। चित्रलिखित सूर्य से अंधेरा मिटाने की बात जो सोचे वो कैसा मूड है? सूर्य का फ्लेक्स बनाकर सोचे कि इससे अंधेरा मिट जाएगा तो संभव नहीं है। अंधेरा तो सुबह जब सूर्योदय होता है तभी मिटता है। जिसको जीवन में गुरु मिलते हैं सच्चे और सत्संग मिल जाता है, भगवान का नाम मिल जाता है, उसके जीवन से ही अंधेरा मिट जाता है। महाराष्ट्र के लातूर में सत्संग था, पुलिस विभाग सेवा में लगा था, व्यवस्था में, तो आईजी साहब नांदेड़ से आए थे व्यवस्था देखने के लिए कि कार्यक्रम में व्यवस्था कैसी है। आईजी साहब इतने श्रद्धालु, वो भी सत्संग सुनने बैठ गए थोड़ी देर, और आखिरी दिन अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ के आईजी साहब ने दीक्षा भी ले ली। उनका नाम आईजी भीमराव राउत साहब, आईजी की पोस्ट है पर श्रद्धा भी है, क्योंकि समझदार लोग जो भी ऊंचे पद पर होते हैं उनको पता होता है कि ये पद सदा नहीं रहेगा। सदा रहेगा ईश्वर का नाम, शरीर सदा नहीं रहेगा तो पद सदा कैसे रहेगा? सदा रहेगा भगवान का नाम। वो भगवान का नाम और भगवान के स्वरूप का ज्ञान जहाँ सत्संग में मिलता है, ऐसे गुरु के चरणों में श्रद्धा, भक्ति, भगवान नाम में आस्था, ये समझदार लोग रखते ही हैं, उनकी होती है। उन्होंने दीक्षा भी ली, उनको बहुत लाभ हुआ, ऐसे और कई हैं। यजुर्वेद में आता है, यजुर्वेद की कठोपनिषद में, कि जीवात्मा से बलवान है अव्यक्त माया शक्ति। उसी के कारण तो जीव शरीर के साथ जुड़कर ये मैं हूं, ये मेरा है, ये जमीन मेरी, ये मकान मेरा, ये मेरा, मेरा अधिकार मेरे को मिलना चाहिए, लड़ाई झगड़े में उलझे रहते हैं। तो ध्यान देना, जीवात्मा से बलवान है माया शक्ति, अव्यक्त माया शक्ति, और अव्यक्त माया से श्रेष्ठ है परमात्मा स्वयं। उस परमात्मा के नाम का आधार जिसने ले लिया तो अव्यक्त माया शक्ति उसका क्या बिगाड़ेगी? फिर वो मैं और मेरे में क्यों पड़ेगा? तो वही सबकी परम अवधि और परम गति है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में जीव से बलवान माया, माया से बलवान ईश्वर, उस ईश्वर के नाम का सहारा ले, तो फिर मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा उसके जीवन से कम होता जाएगा। पर मूड नहीं छोड़ते। राम जी की शत्रुता नहीं थी रावण नाम के व्यक्ति से, रावण नाम के व्यक्ति को तो सहस्त्र बाहु ने भी हरा दिया था और सुग्रीव के भाई वाली ने भी हरा दिया था, तो भी विजयादशमी तो राम जी की मनाते हैं। वाली ने रावण को हराया वो दिन नहीं मनाते, सहस्त्रबाहु ने रावण को हराया वो दिन नहीं मनाते, राम जी ने रावण को हराया वो दशहरा मनाते हैं। क्यों? कि राम जी की दुश्मनी रावण नाम के व्यक्ति से नहीं थी, रावण रखता था, राम जी नहीं रखते थे। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से दुश्मनी नहीं रखी तो दुर्योधन रखता था, दुर्योधन बोलता था ये मायावी आदमी है। दुर्योधन भगवान कृष्ण का विराट रूप भी देखता है हस्तिनापुर में, पर दुर्योधन ये नहीं बोलता कि अरे ये तो साक्षात ईश्वर है, दुर्योधन बोलता है ये मायावी है। साड़ी का अंत नहीं आया द्रौपदी की, पर दुशासन और दुर्योधन की मूढ़ता का भी अंत कहां आया? वो नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाते हैं, तो वो फिर बेचारे रीते रह जाते हैं।
तो भक्त जो होते हैं वो जानते हैं भक्ति की महिमा को, और भक्त ये भी जानते हैं कि जीवन में शूद्र से लड़ना नहीं है, शूद्र भोगों से, तुच्छ विकारों से, मेरे मन में विकार आते हैं, मेरे मन में विकार आते हैं, नहीं नहीं, अंधेरे का अस्तित्व मानो ही मत, दिया जलाए रखो। अंधेरा तभी आएगा जब दिया बुझ जाएगा, दिया जलता रहेगा तो अंधेरे की ताकत नहीं है दिए को बुझा सके या वहां आ सके, दिया बुझने मत दो। भक्ति का दीप, भक्ति की ज्योत जलती रहे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा यथा दीपो, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में दिए की लौ, दिए की ज्योत स्थिर हो जाती है, ऐसे भगवान ने कहा तुम्हारा मन स्थिर रखो। भगवान ने पर्वत का उदाहरण नहीं दिया कि जैसे पर्वत स्थिर है ऐसे तुम्हारा मन स्थिर कर दो। भगवान ने उदाहरण कितना बढ़िया दिया गीता में कि जैसे स्पंदन बिना, स्पंदन रहित वायु के स्थान में दिए की लौ स्थिर हो जाती है, ऐसे तुम्हारा मन स्थिर कर दो। क्योंकि पर्वत स्थिर तो है पर वहां अंधेरा है, और ज्योत स्थिर है, प्रकाश है, प्रकाश हो, ज्योत जगे, अंधेरा नहीं आ सकेगा। तो शूद्र भोगों से लड़ना नहीं है, तुच्छ विकारों से लड़ना नहीं है कि मेरे मन में विकार आते हैं, मेरे मन में संसार की इच्छाएं, नहीं नहीं, दिया जला दो। श्रद्धा का, भक्ति का, शूद्र भोगों से, विकारों से लड़ने का मतलब तो यह हुआ कि विराट का संग खो चुके हैं, विराट की मौजूदगी में शूद्र हार जाता है, श्री कृष्ण की मौजूदगी में कौरव हार है, राम भगवान की मौजूदगी में रावण कुंभकर्ण आदि हार है। तो विराट की मौजूदगी तो है ही, रेडियो के वेव्स यहां पसार हो ही रहे हैं, पर रेडियो ऑन करो तो पता चले, ऐसे ही विराट की मौजूदगी है, ईश्वर उपस्थित है अनुपस्थित होकर। मैं हटे तो सत्संग बापू का ऐसा दिव्य है कि मैं हटे। आप देखो तुलसीकृत रामायण में एक प्रसंग आता है, एक तो कि प्रताप भानु राजा था, वो कपट मुनि से मिला जंगल में, एक साधु जो उसका ही विरोधी था। कथा लंबी है, मैं विस्तार में न जाऊं। प्रताप भानु को कहा तुम रात को मेरे पास ही रुक जाओ, वो बोला नहीं नहीं मेरी पत्नी मेरे को याद करती होगी, मुझे वहाँ जाना जरूरी है। तो काल केतु ने कहा कि वो साधु जो बन बैठा था, बोले फिर तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ सो जाओ, मैं मेरी शक्ति से तुमको सोते सोते ही पत्नी के बिस्तर पर पहुँचा दूंगा, महल में पहुँचा दूंगा। वो तो राजा खुश हो गया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। वो लेट गया और उसने काल केतु राक्षस को बुलाया और उसकी मायावी शक्तियों से प्रताप बानू को सोते सोते ही उसके महल में पहुंचा दिया। आंख बंद की थी तो जंगल में था, आंख खुली तो बिस्तर पे था, सामने पत्नी थी। सोते सोते एक और आदमी भी उठवा लिया गया था तुलसीकृत रामायण में, और वो सुषेण, उसको भी उठा लिया गया था, पर उसको उठाया किसने था, हनुमान जी ने उठाया था, और हनुमान जी ने उठाकर कहां पहुंचाया, भगवान राम के पास पहुंचा दिया। और काल केतु राक्षस ने भी उठाया था प्रताप बानू को, पर पहुंचाया कहां, पत्नी के बिस्तर पर पहुंचाया, तो क्या उसकी दशा होगी। और हनुमान जी ने उठाया सुषेण को तो उसको कहां पहुंचाया, भगवान के पास पहुंचाया, उसका कल्याण कर दिया। तो हम किसके द्वारा उठाए जा रहे हैं, हम किसकी संगति में आ रहे हैं, हम किसके संपर्क में आ रहे हैं। हनुमान जी जैसे उठाए तो कहां पहुंचाएंगे, और काल केतु राक्षस उठाए तो वो कहां पहुंचाएगा। इसलिए खूब ध्यान रखना अपने जीवन में, खूब सोच कर कदम उठाना अपने जीवन में, क्योंकि कोई भी उठाया हुआ कदम किसी न किसी दिशा में ही बढ़ रहा है। कौन सी दिशा में कदम उठा उसका ध्यान
विवेकवान व्यक्ति को रखना ही चाहिए। अविवेकी आदमी भले न रखे, पछी गम्मे ते दिशा में जाए, श्रेय मार्ग पर जाए के प्रेय मार्ग पर जाए, विकासना मार्गे जाए के विनाशना मार्गे जाए, ये ना आत्मी वाच। भगवान ने तो स्वतंत्रता दी है, शक्ति दी है, समय दिया है, आयु दी है, उसका कौन और कैसे उपयोग करता है ये उस पर आधार रखता है।